Hello, hi guys. Good afternoon and welcome to the session. This is Anna Khan, your math master teacher from Vedantu. So we are here for the lecture number 3, and not exactly lecture number 3, but a very important topic, that is, can you identify acute, obtuse and reflex angles in your real life? We have a great mentee today for you guys, where we are going to give you some real life examples जहां आपको बताना है कि acute angle होगा, obtuse angle होगा या फिर reflex angle होगा. Okay, so hi and welcome. और वीकली शेड्यूल मैं आप सबको बता दूं, आई होप वैसे आप सबने देख रखा होगा ये वीकली शेड्यूल, एंड ये आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, हमारे चैनल की कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन सी द वीकली शेड्यूल ओवर देयर. पिछले सेशन में जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ. मराठी कौन है? ट्राइंगल. तेलुगु है स्क्वायर. तो ट्रायंगल एंड स्क्वायर का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ट्रायंगल एंड स्क्वायर का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ, यानी कि 6 + 7 13. एंड हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. ओनली इंग्लिश मीन्स जो सिर्फ स्क्वायर में आता हो, सर्कल ट्रायंगल से बाहर हो, यानी कि 12. सो 13 एंड 12 इज द राइट आंसर. एंड the students who have given right answers are Dania, Rumesa, Vanchika, Namita, Bhavana, Karuna, Jessica and Manit. Okay, so today we are going to learn what are acute angles, what are obtuse angles and what are reflex angles, and we will have a mentee. Okay, so hi to everybody. Hi technical Swayam. सविता चौधरी, आई थिंक यू आर इल्मा चौधरी. हाय भावना, माय बर्थडे इज कमिंग ऑन 31st. वाओ साइन, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. हाय छविनाथ. हाय पाई न्यू पायरेट प्रीति. हेलो रचना. हाय अभिरुधि. हाय कुकी. हाय रुमेसा. हाय ईशा तनय. भावना वेलकम. हाय जेसिका. हेलो प्रीति. हेलो प्रीति. हाय रूपांकना. हाय लक्ष्मी. हाय सुशील पांडे. हाय जाह्नवी. ओके हाय जाह्नवी. हेलो मनी. हाय जैस्मिन. नहीं भाई मैं सैड नहीं हूँ ऐसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाय मानसी. कैन यू टेक कंटिन्यूस क्लासेस? आई विल देयर इन यू 2 PM नाउ. यू कैन डू दिस? यस मानसी, आई हैव टू टेक. व्हाट कैन आई डू? हाय हिरान्या. हाय सलोनी. ओके रूपांकना. व्हाई आर यू इग्नोर? अरे श्रियांश, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. तुम तब बात कर रहे थे जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैं कैसे हाय बोलती तुम्हें? हाय वासागी. हेलो. हाय सक्षम. हाय वैष्णवी. हाय इल्मा. हाय सृष्टि. चलो सो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों मुझे दे दो एक बार हाई फाइव. फटाफट से गिव मी अ हाई फाइव. एवरीबॉडी गिव मी अ हाई फाइव. हाय अंशुल. हाय वासागी. हाय वासागी, हाउ आर यू? हाय अनवी. हाय नंदन. हाय अंशिका. हेलो प्रगति. हाय तस्कीन. हाय नमिता. हाय अंशिका. हेलो नंदन शर्मा. स्वयं एंड अनन्या वेलकम. हाय सोनिया वेलकम. हाय दिया. आरवी. आरवी और आरव. आरव और आरवी. तस्कीन जी स्वागत है आपका. यस आई एम ऑल्सो फाइन वासागी. चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन. तो मेंटी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और रिफ्लेक्स क्या होता है. तो आज का सेशन बच्चों बहुत ही डिफरेंट टाइप का सेशन है, ठीक है. आज के सेशन में आप एक्यूट ऑब्ट्यूज को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ोगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करोगे, और मेंटी को इसमें भी आप रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखोगे कि कहाँ कौन सा एंगल पाया जाता है. तो बहुत ही मजेदार सेशन बनाया है आज का मैंने आप लोगों के लिए. डू वॉच इट आउट एंड यू विल एंजॉय इट. ओके चलो स्टार्ट करें. तो आप सबने पिछले सेशन में
राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में तो पढ़ लिया था। राइट एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 120 डिग्री। राइट, हाय अभिरुधि, ठीक है? राइट, नो मानसी, आई एम नॉट टायर्ड। तो क्या बच्चों राइट एंगल से छोटे एंगल होते हैं? आर देयर एंगल्स विच आर स्मॉलर देन राइट एंगल? आर देयर एंगल्स विच आर ग्रेटर देन राइट एंगल्स? Or there are angles which are greater than straight angle. Is any angle there? Well, yes, there are some angles. So let's see. Now, suppose आपका watermelon खाने का मन किया। अब watermelon को आपने slices में cut कर दिया, ठीक है? तो जब watermelon को आपने slices में cut कर दिया, तो आपको कुछ इस तरीके का slice मिलेगा watermelon का। तो जब ये watermelon का slice आपको मिला, तो इज इट 90 डिग्री, इज इट लेस देन 90 डिग्री और इज इट ग्रेटर देन 90 डिग्री? क्या लगता है आपको? जब आपको एक वाटरमेलन का पीस मिला तो वो पीस कैसा दिखाई देता है? व्हाट डू यू थिंक? यस प्राची प्रसाद, नो नीड टू स्पैम, लेस देन 90 दिख रहा है कि 90 डिग्री दिख रहा है? आई मोहम्मद सैफ, लेस देन 90 दिख रहा है, राइट? Yes. तो ऐसे एंगल्स जो स्मॉलर देन 90 डिग्री होते हैं, वी कॉल देम एज एक्यूट एंगल्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एक्यूट एंगल्स। सो द एंगल्स विच लाई बिटवीन, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। So acute angle are angles which are greater than 0 degree and less than 90 degree. आप देख सकते हो value of the acute angle 1 से लेकर 89 तक, all the angles are acute angle. Everybody, is it clear what is acute angle? Clear to everybody? अगर clear है तो जल्दी से like button को press कौन करेगा? फटाफट से like button को hit कर दो और 60 likes पहुंचा दो video पर। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको नहीं पता कि इस चैनल पे कौन सा वीडियो आता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? एवरीबॉडी लेट्स हिट द लाइक बटन, मेक इट 60 लाइक्स, कम ऑन। अभी तक 40 लाइक्स भी नहीं हुआ है, वेरी बैड। 60, जल्दी से लाइक बटन को हिट करना है एवरीबॉडी, ठीक है? सो एक्यूट एंगल क्या होता है, समझ में आ गया? अब एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? 62 डिग्री, 48 डिग्री, 71 डिग्री, 54 डिग्री, 12 डिग्री, 67 डिग्री, ये सारे हो गए एक्यूट एंगल्स, ठीक है? हम गणी पृथ्वी, यस अंशिका, चल। और रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां हमें एक्यूट एंगल दिखाई देता है कौन कौन से हैं? लेट्स, जैसा हमने देखा वाटरमेलन एक्यूट एंगल, रोड्स का इंटरसेक्शन एक्यूट एंगल, सीजर मेक्स एक्यूट एंगल, वॉल क्लॉक के नीडल एक्यूट एंगल, एलिगेटर मेक्स एक्यूट एंगल एंड द बर्ड्स आल्सो मेक एक्यूट एंगल। सो हमारी रियल लाइफ में देयर आर सो मैनी प्लेसेस जहां पे हमें एक्यूट एंगल दिखाई देता है, जैसे कि पिज्जा ऑफकोर्स, यस। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, वॉट इज द highest value of acute angle? एक acute angle का highest value क्या होता है? Everybody quickly tell me. Let's see किसको पता है भाई? Acute angle का maximum value क्या हो सकता है? Any guesses? क्या बात है, everybody is giving right answer, yes, 89 degree is the maximum value, and what is the minimum value? The minimum value will be 1 degree, so 1 degree से लेकर 89 degree तक सारे angles होते हैं acute, very good, क्या बात है? इसी बात पे एक बार like button को hit कर दो और 70 likes हो जाए video पे, come on. Hit the like button if you have given right answer for yourself. Next example, क्या आपने
बुक से पढ़ाई की है, कभी तो कभी पढ़ाई की होगी, है ना? मैं मानती हूँ हर वक्त तो पढ़ाई करते रही हो आप लोग, ठीक है? तो आपने अपनी जिंदगी में बुक तो देखा ही होगा, और कुछ देखा है कि नहीं देखा है, राइट? और जब हम बुक ओपन करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है उसके पेजेस के बीच में. अब ये जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 है, या फिर इक्वल टू 90 डिग्री है? व्हाट डू यू थिंक? वेल, ऑफ कोर्स, यस, यू गाइस आर राइट. ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट? सो द एंगल्स हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल. प्लीज लुक एट दिस जीआईएफ केयरफुली, इस जीआईएफ को ध्यान से देखें. स्टार्टिंग फ्रॉम 91 डिग्री, गोइंग ऑन टिल 179 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. आया समझ में? 90 से लेकर 180 तक जितने एंगल्स होते हैं दे ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल. सो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल. फॉर एग्जाम्पल, 116 डिग्री, 112 डिग्री, 168 डिग्री, 94 डिग्री एंड 105 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, है ना? द जी आई एफ वॉज गुड, राइट? यस, इवन आई लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लें. हमारा सोफा, रेक्लाइनर सोफा बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल, हैंगर ऑब्ट्यूज एंगल, क्लॉक नीडल ऑब्ट्यूज एंगल, स्टेयर केस ऑब्ट्यूज एंगल. सो मेनी अ प्लेस इन आवर रियल लाइफ वी सी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? यस. सो एवरीबॉडी क्विकली टेल मी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा बच्चा पार्टी, एंड लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? दोनों बता दो. यस दिया, यस आयुष, वेरी गुड वेरी गुड. नो मिस खुशी, नो 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 नो. हाय खुशु, वेरी गुड. हाईएस्ट वैल्यू विल बी 179 डिग्री, वेरी गुड. लोवेस्ट वैल्यू विल बी 91 डिग्री, वेरी गुड. नो नो नो, 180 नहीं. जो बच्चे 180 बोल रहे हैं, नो, 180 इज नॉट ऑब्ट्यूज, 180 इज नॉट ऑब्ट्यूज, 180 इज स्ट्रेट एंगल. 180 को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 180 को हम ऑब्ट्यूज नहीं कह सकते, याद रखना याद रखना. 91 से लेकर 179 तक सारे एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं, 180 इज नॉट ऑब्ट्यूज, इट इज स्ट्रेट एंगल. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि 180 तक तो ऑब्ट्यूज है, लेकिन अगर 180 से बड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं? अभी तक तो हमने 180 तक देखा, तो इसका मतलब 180 के बाद जो आता है उसे भी तो हम कुछ बोलते होंगे ना भाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? दिस एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. लुक एट द जी आई एफ केयरफुली. रिफ्लेक्स एंगल कब बनता है बच्चों? ऑल द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. वेरी गुड. ऑल द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल्स. एब्सोल्यूटली राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स का मतलब. 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. फॉर एग्जाम्पल, 244, 248, 255, 266, 192, ये सारे एंगल्स हो जाएंगे व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल. इवन 300 रिफ्लेक्स, 350 रिफ्लेक्स,
all these angles are reflex angle, right? Yes. रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा बच्चों? तो एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ मैं आपको. जहां जहां आपको एक्यूट एंगल मिलेगा वहां वहां आपको रिफ्लेक्स एंगल भी मिलेगा. एक्यूट का उल्टा कौन होता है? एक्यूट का उल्टा होता है रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल This angle is reflex angle, this angle is a reflex angle, this angle is a reflex angle and this angle is a reflex angle. जहां पे भी आपको acute angle दिखाई दे रहा है, there a reflex angle is formed. And क्या obtuse angle के साथ reflex angle बन सकता है? क्या obtuse angle के साथ reflex बन सकता है? Acute पे तो बन रहा है, but what about obtuse? Yes. अगर ऑब्ट्यूज एंगल है उसके साथ भी रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है. क्योंकि अगर मैंने ऑब्ट्यूज एंगल लिया है फॉर एग्जांपल 100 डिग्री, राइट, तो 100 डिग्री के बाद बचा क्या? 260. तो 100 डिग्री हो गया ऑब्ट्यूज एंड 260 हो गया रिफ्लेक्स. सो द आंसर इज यस. ऑब्ट्यूज का ऑपोजिट रिफ्लेक्स हो सकता है. बिकॉज एग्जाम्पल अगर ऑब्ट्यूज 100 है तो रिफ्लेक्स 260 होगा. बिल्कुल हो सकता है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? अगर समझ में आया तो लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दो एवरीबॉडी. मेंटी स्टार्ट होने से पहले आई वांट 90 लाइक्स, वरना मेंटी स्टार्ट नहीं होगी भाई. जल्दी से 90 लाइक्स अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना. सो लेट्स आइडेंटिफाई द एंगल्स. ये वाला जो एंगल है जो आपको दिख रहा है, वॉट इज दिस? दिस इज एक्यूट. दिस इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल. ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज. इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल. अब ये बताओ ये वाला एंगल कौन सा होगा? वॉट इज दिस एंगल? एंगल 5 क्या है ये बताओ? हाय गर्वे, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू. खुशु, मैंने तुम्हें हाय बोला था, तुम सुनते ही नहीं हो. क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट. दिस एंगल इज रिफ्लेक्स बच्चों, रिफ्लेक्स. ऑब्ट्यूज नहीं है. ऑब्ट्यूज तो ये वाला है. ऑब्ट्यूज के उल्टा जो होता है उसे रिफ्लेक्स कहते हैं, समझे? यस. दिस एंगल अगेन रिफ्लेक्स. दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज. दिस एंगल इज complete and this angle is again 90 degree. Understood? Kya reflex acute angle hote hain? Reflex aur acute ek saath kaise ho sakta hai? Agar reflex hai to acute nahi hoga, acute hai to reflex nahi hoga na. Dono alag type ke angles hain. Chalo bhai, so now where do we have to go? We have to go to the menti.com. जल्दी से सारे बच्चे पहुंच जाओ www.menti.com की वेबसाइट पे. और हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेंटी क्विज, जिसका कोड है 7987915. जीरो एंगल कैसे बनेगा नबानित का? सॉरी रूपांकना बेटा. जीरो एंगल तब बनता है जब ओवरलैपिंग होती है तब. ठीक है, आदित्य झाजरा को भी हाय बोल दिया जाए भाई. कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. एंड मैंने कहा था बच्चों आई वांट 90 लाइक्स ऑन द वीडियो इमीडिएटली बाय ऑल ऑफ यू. कम ऑन, जल्दी से मेंटी ज्वाइन करो. 7987915 इज द कोड ऑफ टुडेज मेंटी. Everybody join it. So, meanwhile, you guys are joining. Yes, yes, I have started the Menti. तो जब तक ये आप लोग join कर रहे हैं, मैं अपने new students को बता दूं कि वो वेदांतु का एक ओलंपियाड लिटमस टेस्ट आने वाला है 14th of August को 3 PM पे. ठीक है,
डोंट फॉरगेट टू वॉच, सॉरी नॉट वॉच, गिव दिस एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेदांतु का ओलंपियाड लिटमस टेस्ट। इस एग्जाम को देने का फायदा ये है बच्चों कि आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी ओलंपियाड के मास्टर टीचर से, जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपसे करवाएंगे एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप ओलंपियाड क्रैक कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो विन अमेजोन वाउचर्स वर्थ ₹70,500। रजिस्ट्रेशन लिंक इज vdnt.in/megavoltyt। सो डोंट फॉरगेट टू give this exam and please register for it, ठीक है वंशिका, I can see your comment, I can see your comment and congratulations to all the students who have cleared national talent search exam stage 2 and made Vedantu super super proud. Congratulations to all the amazing kids, ठीक है 3 PM मैं 3 PM वाली क्लास चेंज कर दूंगी टाइमिंग, टेंशन ना लो, 3 PM वाली क्लास का आई विल चेंज द टाइमिंग, आप लोग एग्जाम दे देना, ठीक है, गिव द एग्जाम। सो यस ऑल माय न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वेदांतो के ऐप पे पढ़ाई करनी है वेदांतो के अमेजिंग अमेजिंग टीचर के साथ, जैसे यहाँ पे आप मेरे साथ मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हो, है ना, वैसे ही आप वेदांतो के ऐप पर मैथ साइंस SST इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट कवर कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको YouTube पे पढ़ाती हूँ ना, वैसे ही वेदांतो के ऐप पर भी पढ़ाया जाता है इवन बेटर वे में। कैसे, लेट मी शो यू व्हाई एंड व्हाट ऑल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यू आर गेटिंग देयर। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस तो हैं, हर क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाता है लाइव क्विज के फॉर्म में, लाइव क्विज, यस, इससे आप प्रैक्टिस करते हो, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिलता है जहां पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। इसके साथ हर लाइव क्लास का आपको रीप्ले, रिकॉर्डेड रीप्ले मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बीमार पड़ गए, घूमने चले गए तो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो टॉपिक मिस तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए आपको रीप्ले मिलता है जिसमें लाइव क्विजेस प्रेजेंट होता है और हर क्विज में हर क्वेश्चन पे आता है लीडर बोर्ड, फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट लिस्ट, मतलब क्वेश्चन वाइज भी आप एनालिसिस देख सकते हो कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। प्रीमियम डाउनलोडेबल हैंड रिटन कंटेंट भी मिलता है आपको हर सेशन के रीप्ले के साथ साथ, उसका नोट्स आधे घंटे के अंदर अटैच हो जाता है, आधे घंटे के अंदर, ठीक है, इमीडिएटली आप नोट्स डाउनलोड करके रख सकते हो, स्टडी मटेरियल आपको मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ मिल जाता है उसी वक्त क्लास खत्म होने के बाद। हर क्लास में आपको मिलता है एक वेरी वेरी स्पेशल फीचर विच इज डाउट सॉल्विंग फीचर, हर बच्चे को मिलता है, क्योंकि हर क्लास में होते हैं ढेर सारे क्लास टीचर्स, क्लास टीचर्स होते हैं आपका सारा डाउट सॉल्व करने के लिए, पहले वो चैट से भी सॉल्व करते हैं, लाइव भी आते हैं आपसे बात करके भी आपका डाउट सॉल्व करते हैं, एंड क्लास खत्म होने के बाद भी आपका डाउट सॉल्व करते हैं, 100% डाउट सॉल्विंग के बाद ही दे विल लीव द क्लास, ओके। With this, you also get quality test series and assignment series. Test subjective भी होते हैं, objective भी होते हैं, assignments होते हैं ढेर सारे आपके practice के लिए, worksheet classes होती हैं जिसमें आपको practice सामने बिठा के करवाई जाती है ताकि आपको एक idea मिल सके आपके exam में कैसा question आएगा, ठीक है। एक बच्चा है जो price पूछ रहा है, I'm just coming to the price, don't worry. And इसके साथ आपको मिलते हैं बच्चों free अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज। अनलिमिटेड कैसे, क्योंकि माइक्रो कोर्सेज बेसिकली बच्चों होते हैं एक्स्ट्रा क्लास की तरह, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने एक टीचर से पढ़ा लॉन्ग टर्म बैच में, जैसे मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रही हूँ पूरे साल, ठीक है, पर मान लो एक टॉपिक आपने मिस कर दिया था, आप दोबारा लाइव वर्क करना चाहते हो, मान लो कि आपको एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा लाइव क्लास में समझना चाहते हो, तो वो लाइव क्लास कैसे मिलेगी, माइक्रो कोर्स, टाइम टू टाइम हर टीचर का माइक्रो कोर्स आता रहता है, आपको नोटिफिकेशन आता रहता है, आपका सैम आपको बता देगा, एनरोल करते जाओ वो भी फ्री में, एंड एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन, ओके। और इसे एनरोल कैसे करना है, बहुत ही आसान है इसे एनरोल करना, ये जो वीडियो आप देख रहे हो मेरा, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एंड अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो कमेंट सेक्शन का वेट कर लेना, वहां तो मिल ही जाएगा, लाइव चैट पे भी दे दिया है, वहां जाके वेबसाइट ओपन होते ही
मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना जाते ही साथ, जिसका नाम है SKPRO. मेरा नाम क्या है? SK मैम, राइट? सना खान. सो SKPRO इज द कूपन कोड जिसमें आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट. मैम, 1 month का लेने पर भी माइक्रो कोर्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा खुशु, सब कुछ मिलेगा. 1 month के ट्रायल पे भी सब कुछ मिलेगा. इट इज देयर. सो नाउ आफ्टर दिस मेंटी आई विल शो यू गाइज कि कैसे आप एनरोल कर सकते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट द मेंटी क्विज. क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पर. जो बच्चे कोड पूछ रहे थे, 7987915 इज द कोड. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कौन फोड़ेगा भाई आज का मेंटी? लेट्स सी. एंगल्स बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फिगर्स, सॉरी फिंगर्स इज डैश. फिगर नहीं है, फिंगर है. फिंगर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई एम श्योर यू ऑल कैन आंसर. टाइम्स अप. एंड यस, वेरी गुड. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज द राइट आंसर. और हमारे विनर्स हैं अंशी, समायरा. सॉरी पेपर चल रहा है. ओके, अभिषेक वासागी, सहस्र, नीमो, अब्दुल्ला, आयुष, रुद्र, एंकर ऑफ द डे एंड महेंद्र. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. Next question on your screen. The angle shown in the given figure is A and dash. वंशी का बेटा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको कमेंट नहीं देख पाई. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कम ऑन. यस, ऑब्ट्यूज एंगल था भाई, ऑब्ट्यूज एंगल. बिकॉज 360 को अगर डिवाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 120, और 120 क्या होता है? ऑब्ट्यूज, राइट? सो लीडर बोर्ड पे आ गए हैं नम्यता, अम्मु, वसागी, श्रियां, साइम, अविका, आशुतोष, समायरा, रुद्र एंड आयुष विश्वास. थर्ड क्वेश्चन बच्चो. द एंगल शोन बाय येल्लो लाइन, येल्लो कलर का, येल्लो कलर का जो एंगल दिख रहा है वो क्या है बच्चो? येल्लो कलर का जो एंगल दिख रहा है वो क्या है? प्लीज ऑब्जर्व, येल्लो कलर में जो एंगल है आपको उसका नाम बताना है. रिफ्लेक्स एंगल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. ओके शौर्य. एंड लीडर बोर्ड पे अभिषेक, अम्मो, नमिता, वसागी, श्रियान, साइन, समायरा, आशुतोष, रुद्र एंड आयुष. नम्यता ने दिया है फास्ट टेस्ट आंसर. ओके जेसिका, फोर्थ क्वेश्चन. The angle shown in this given figure is a dash. Ma'am, did you like Uttarakhand? Yes, of course, I liked Uttarakhand. It's so amazing. Very beautiful. अरे भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों बार बार कह रहे हो मैम यू आर टायर्ड एंड नॉट हैप्पी? Why? कि किसने अफवाह उड़ा दी है भाई सारे बच्चों के बीच में? मैं इतने अच्छे से तो पढ़ा रही हूँ आप लोग को फुल एनर्जी के साथ. व्हाई डू यू थिंक आई एम सैड? आई एम नॉट सैड भाई, आई एम नॉट एट ऑल सैड. आई एम सीरियस एंड टीचिंग यू गाइस, प्लीज यू आल्सो बी सीरियस. यस, ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल शोन इन द गिवन फिगर, क्योंकि 180 डिग्री से लेस था, राइट?
हिमांशु ऑफिशियल एफ एफ के साथ, एफ एफ तो पृथ्वी हो सकता है और तो मुझे याद नहीं आ रहा, फ्री फायर फैन। सो श्रियांश वर्मा जी आ गए हैं लीडर बोर्ड पे, वरिष्ठ सानवी आशुतोष साई मसागी समायरा नमिता अमू एंड आयुष के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, उड़ता हुआ एरोप्लेन कौन सा एंगल बना रहा है? हाँ किलर ओपी, हाय अलका, यस आई रिमेम्बर यू। ऑब्टूज एंगल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे 180 डिग्री से छोटा है तो रिफ्लेक्स कैसे होगा? ऑब्ट्यूज होगा ना। धात्री, हाय धात्री, हाय सानवी, श्रियांश, विशेष, आशुतोष, बटरफ्लाई, नम्यता, अम्मू, समायरा, वासागी फास्टेस्ट एंड आयुष विश्वास। वासागी और आयुष में चल रही कांटे की टक्कर, फिलहाल 7 पॉइंट्स का डिफरेंस। ओ माय गॉड, हु विल बी द विनर? ओके संकरी, गुड इवनिंग अंशिका, फ्री प्रो। भैया फ्री प्रो नाम तो मैंने किसी का नहीं रखा था, मुझे तो याद नहीं ऐसा कोई नाम। द एंगल शोन इन द गिवन फिगर ऑफ अ पिज्जा, यू कांट सी मी इन द ऐप। संकरी बेटा आपको मेरा बैच एनरोल करना होगा अगर आप मेरे क्लास में आना चाहते हैं तो। ओके क्यूट एंगल, वेरी वेरी क्यूट एंगल, यस दैट इज द राइट आंसर। एंड फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है भाई? फास्टेस्ट आंसर दिया है आयुष ने वंस अगेन 17 पॉइंट के लीड के साथ। और बच्चों अब है आखिरी सवाल, अच्छा आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, ओ सेवेंथ क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इन द गिवन इमेज, नंबर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स। अंशिका राय, योर मैसेज इज विजिबल। हाय पिकी परमवीर, नहीं भूली भाई, नहीं भूली। टू रिफ्लेक्स एंगल्स, यस सिर्फ दो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पूछा था, सारे के सारे एंगल नहीं पूछा था, सिर्फ रिफ्लेक्स पूछा था बच्चों। सो वी हैव बटरफ्लाई नमिता, मैजिकल राइनो तो पेंटी का नाम है, तनय सहस्र, श्रियांश, प्रणव, आशुतोष, अमुआ, सागी एंड आयुष। जेसिका यू आर, यू टेल व्हाट यू आर, यू कीप चेंजिंग योर नेम। अच्छा ओके हिमांशु, नहीं वंशिका, क्लास टाइमिंग तो नहीं चेंज होगा। नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन दिस गिवन इमेज, ओके हरिनी, ओ ओके हंचिका, बाय बाय। टाइम्स अप एंड नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स वेर ओनली टू, टू ही था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेट मी सी, राइट राइट एक्यूट, हाँ ओनली टू एक्यूट एंगल्स, नॉट मोर देन टू एक्यूट एंगल्स, बाकी तो ऑब्ट्यूज और राइट थे, सो नॉट राइट। एंड वी हैव गायत्री, काव्या, तस्लीम, जहरा, नकवी, दिया, शिखर, नम्यता, तने, सहस्री, आयुष। सो विनर है आयुष सहस्र,
और तनय, गुड आयुष सहस्रा तनय, वेल डन। एंड यस, बिफोर मूविंग ऑन बच्चों, लेट मी शो यू ऑल कि आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन कैसे एनरोल कर सकते हैं थ्रू द गिवन लिंक। तो ये है हमारा चैनल, ये वीडियो आप देख रहे हो हमारे चैनल पे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ लिंक, है ना। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी वेदांतु प्रो की। यहाँ पे जाके आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लो, क्लास 6, अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो सीबीएसई। फिर आप अपना प्लान चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा 22,499 पे पूरे साल के लिए। यानी इमेजिन पूरे साल चारों सब्जेक्ट सब कुछ आप पढ़ रहे हो इतने मिनिमल प्राइस पे, है ना अमेजिंग। 22,499, वो भी 10% डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद, राइट। 1 month का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 1710 पे। अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो कि कैसे पढ़ाया जाता है, कितना मजा आता है, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप चाहिए वेदांतु का, तो आप प्रो क्लासिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है 32,849। इससे आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप मिलेगा जो वेदांतु का खुद का ऐप है, जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक जितने डाउट चाहो उतने डाउट पूछ सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको एक छोटे बैच में पढ़ने से ही फायदा होगा, ज्यादा बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ पाते हो, तो आप प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 15 बच्चे होते हैं। एंड इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल करने से आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलता है जो आपके शेड्यूलिंग काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, डाउट सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, जिसका कॉस्ट है 48,599 एक साल के लिए एंड 5,400 फॉर 1 month ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल सब्सक्रिप्शन जिससे आप अपने फ्यूचर की पढ़ाई को बहुत सिक्योर बना सकते हो। आप फ्यूचर में अपने हर क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और आप अगर एक ग्लिम्स देखना चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन दिखता कैसा है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्लास 6 का कोई सेशन, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आप जाओगे तो आपने देखा होगा कि हर सेशन का आपको मिलता है रीप्ले, रीप्ले, और रीप्ले के बगल में होता है नोट्स। नोट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स जनरेट करके मिल जाता है, जिसमें मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी रहते हैं। और अगर आप सिर्फ रीप्ले पे क्लिक करते हो तो आपको मिल जाती है रिकॉर्डिंग उस पूरे के पूरे सेशन की, ओके। एंड आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था, किस क्वेश्चन ने बच्चों ने सही आंसर दिया, किस क्वेश्चन ने बच्चों ने गलत आंसर दिया, कितने डाउट्स पूछे गए थे, कितने डाउट सॉल्व हुए। आप देख सकते हो 310 डाउट पूछे गए थे इस सेशन में, इमेजिन 310 डाउट्स, और उसमें से 310 डाउट्स सॉल्व कर दिए गए विद इन द सेशन इटसेल्फ, है ना अमेजिंग बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने बजे मैम ने क्या पढ़ाया था। ये जो टाइम स्टैम्प दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हो क्विज कब स्टार्ट हुआ था, कब पेज चेंज हुआ था, कौन से टाइम पे क्या हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैम ने क्विज कब स्टार्ट किया था। कैन ही डू इट? यू नो ही कैन नॉट डू इट यहाँ पे, ठीक है। और हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के साथ साथ आपको एग्जांपल्स करवाए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बाद आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं अगर आप सही टाइम सही आंसर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लास कंडक्ट होती है वेदांतो के प्रो सब्सक्रिप्शन में, ओके। सो आई हैव शोड यू द रीप्ले बच्चों, यस खुशू, आई हैव शोड द रीप्ले। सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल सब्सक्रिप्शन बच्चों, अगर मेरी मानो तो आपको इससे अपने सारे डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, रिविजन भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स वेर देयर इन मेंटी? अराउंड 95 प्लेयर्स वेर देयर प्रीति। एंड इसके साथ आपको वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिलता है बच्चों। वी प्रॉमिस यू कि आपका स्कोर स्कूल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में इम्प्रूव कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ ऐसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम
आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप 75% अटेंडेंस रखो, 75% टेस्ट कंप्लीशन रखो, और हम आपको रिटेन में प्रॉमिस देते हैं, रिटेन में प्रॉमिस देते हैं, वादा करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है आपका स्कोर इम्प्रूव कराने की। अगर आपको एक साल बाद लगता है कि आपका स्कोर पिछले साल के अकॉर्डिंग इम्प्रूव नहीं हुआ, वेदांतु बेंचमार्क टेस्ट में भी नहीं हुआ, तो फिर आपका पूरा का पूरा कोर्स फी आपको वापस कर दिया जाएगा, एक एक रुपीज आपको वापस कर दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। गेट योर कोर्स फी बैक एंड नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। सो सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपकी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है क्लास 6, 7, 8 के लिए, पुरानी बैचेस तो चल ही रही है। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 के बच्चों के, जिसमें 8, 9, 10 एक साथ आप एनरोल कर सकते हो। 3 साल का कोर्स जेईई और नीट का फाउंडेशन कोर्स है। इंजीनियरिंग और मेडिकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम एनरोल करने के लिए। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको अवेलेबल मिल रहा है ये पूरा सब्सक्रिप्शन। वेदांतु प्रीमियम के भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई और आईसीएसई के न्यू बैचेस, पुराने तो चल ही रहे हैं। एनरोल कैसे करना है बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन पे भी दे दिया गया है, उस लिंक पे जाना और कूपन कोड याद रखना भाई, SKPRO, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू एनरोल। एंड अरे क्वेश्चन ऑफ द डे तो डालना ही भूल गई मैं, सो सॉरी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, बाय गाइस।